ग्राम तेवरी में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें 307 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह ने आवेदन पर अति शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, जिसमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब एवं सभी विभाग उपस्थित रहे। सौरभ सिंह, निशित पटेल, गुमान सिंह, शंकर महातो, कमलेश रजक, प्रदीप तिवारी आदि उपस्थित रहे। तेवरी पटवारी के लिए जनता ने बताया, तेवरी पटवारी पैसे लेकर भी काम नहीं करते, जिससे किसान परेशान है। तेवरी की जनता द्वारा पटवारी को हटाने की मांग रखी। पटवारी की तानाशाही के कारण अब गुस्साए लोग, एक लिखित आवेदन भी दिया गया। संवाददाता सलीमनाबाद प्रवीण तिवारी। आज हम ये प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में कि बिजली विभाग, अभी तो रात और दिन हम तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले सालों में हम सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक आपको बिजली देंगे, ऑफिस टाइम में बिजली देंगे। जो ऑफिस टाइमिंग है उसमें बिजली देने का भी हम लोगों का एक प्रपोजल है, प्रयास। हम लोग कृषक ऋण योजना के अंतर्गत भी सेकेंड फेज हमारा स्टार्ट हो गया है, और उसमें सेकेंड फेज में जिसका 1 लाख रुपए तक का कर्ज था वो भी किसान कर्ज से मुक्त हो जाएगा। मैं तो इस मंच का फायदा उठाते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, सम्मानी कलेक्टर साहब से आग्रह करता हूँ कि जितनी भी ऋण योजना में जो भी पात्र है और जिसका भी ऋण माफ करना है उसको बैंक के चक्कर ना काटना पड़े। आप एक शिविर लगाइए, आप एक मंच लगाइए और प्रमाण पत्र बैंकों के माध्यम से आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों से दिलवा दें, ताकि किसानों को किसी का चक्कर न लगाना पड़े, भ्रमित न होना पड़े। आप कलेक्टर साहब जानते हैं कि बहुत सारे किसान हमारे बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, साक्षर नहीं होते। साथियों, मैं चाहता हूँ कि प्रशासन के माध्यम से कृषक ऋण योजना माफी पत्र बांटा जाए, जिससे किसानों के बीच में कोई दलाल न रह जाए, किसी बैंक की जरूरत न पड़े, किसी नेता की जरूरत न पड़े, और डायरेक्ट किसान के हाथ में वो ऋण पत्र माफी पत्र आ जाना चाहिए। मैंने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्योंकि ये क्षेत्र में 3 ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे, तीनों ब्लॉक अध्यक्षों ने ये बात रखी है कि लाइट खासतौर पर इस क्षेत्र में जितनी आपकी घोषणा है उतनी ही मिले, लेकिन कंटिन्यू मिले। मंच विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय कुंवर सौरभ सिंह जी, पूर्व विधायक और मेरे अजीज मित्र आदरणीय निशित पटेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर साहब गुमान सिंह जी, हमारे जिला कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष मित्रेश जैन साहब, फिरोज अहमद जी, प्रियदर्शन गौर साहब, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष महोदया, यहां पर मंच विराजमान आपके ब्लॉक अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारी विजय रावगढ़ की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती, बहुत आसान है, बिजली का बिल वसूल मत करो, जो जमा कर रहा हो उसकी कीमत बढ़ा दो, ये आज तक होता है। आज हम अगर बिजली का बिल वसूल करने पर अगर थोड़ी सी शिकंजा कस रहे हैं वो इसलिए है ताकि आपके लिए टैरिफ नहीं बढ़ाया जाए, टैरिफ हम वही रखना चाहते हैं, टैरिफ में 1 रुपया भी, 1 पैसा भी हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ना किसान के ऊपर भार पड़े ना घरेलू उपभोक्ता के ऊपर भार पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए कई जगह पर हमारे बिजली अधिकारी जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि बहुत वसूली हो रही है, अगर वसूली बंद कर दो टैरिफ बढ़ाते रहे, जैसे पिछली सरकार तो ने किया, टैरिफ बढ़ाती नहीं और वसूली नहीं करी, कंपनियां घाटे में चलती गई। आज वसूली अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि आपको लाभ मिले और जो